हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूं समर स्पेशल मैंगो शेक। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 3 पके आम, ये ऑलमोस्ट 1/2 kg से थोड़ा ज़्यादा है। और शुगर की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हो। काजू है, बादाम है, किशमिश है, पिस्ता है। और ये फ्रेश क्रीम है। दूध मैंने बड़े कप से 1 कप लिया, अगर आप छोटे कप से लोगे तो आप 1.5 कप लेना। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद आम का छिलका उतार लेते हैं। पहले उसको धो लेते हैं, उसके बाद छिलका उतार लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद आम के छोटे छोटे क्यूब काट लेते हैं। आम के छोटे छोटे क्यूब काटने से ग्राइंड करने में आसानी होगा। अगर जूस को हम लोग ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद इन क्यूब्स को हम लोग मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं। मिक्सी के जार में ऐड करने के बाद उसमें हम लोग अब थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध आप आधा ही डालना और आधा बचा के रखना। उसके बाद हम लोग इसमें 3 टीस्पून शुगर डालेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, शुगर की जगह आप चाहो तो हनी भी ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो गुड़ भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस कर सकता है। और उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम और फिर ढक्कन क्लोज करके एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको हम लोग जार को निकाल कर उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका मैंगो शेक थोड़ा सा गाढ़ा है। अब हम लोग अपना बाकी बचा हुआ दूध उसमें ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आप दूध की जगह पे कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो, आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दूध यूज़ किया है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें बारीक कटा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमको ग्राइंड नहीं करना है, अदरवाइज़ वो पूरी तरह पिस जाएगा। इसके बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा करें। उसके बाद ड्राई फ्रूट, फ्रेश मिंट या फ्रेश क्रीम जिसके साथ चाहे उसके साथ आप गार्निश करके आइस क्यूब के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने ग्राइंड करते समय आइस क्यूब नहीं यूज़ किया था, इसलिए अभी मैंने आइस क्यूब यूज़ किया। अब हमारा मैंगो मिल्क शेक बन के रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।